रिव्यू मीटिंग। अरे मोबाइल मैन बेटे आइयो। यो सर। अरे छपरी अल्ट्रा प्रो मैक्स रख दे, दफ्तर का सामान है, इतना बजट नहीं हमारा जितना नुकसान हो जाएगा। बैठ इधर इधर। क्या हुआ सर? लगता है बहुत शर्मिंदा है अपनी मक्खी चूसी पर, रिव्यू मीटिंग के लिए बुलाया। अरे हो सकता है तारीफ करने के लिए बुलाया हो, उनको हमारा शो बहुत अच्छा लग गया हो। इस बार अगर मीटिंग हो ही रही तो एक कैमरा भी मांग लेना, शूट करने में मजा आ जाएगा सर। मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, कहे ना किसी से। और अपना बॉस ऐसा है जो ग्रुप मेल पर जलील करता है जलीलुद्दीन। खैर देखते हैं, चल चलिए सर। मे आई कम इन सर? अब कितना अंदर आओगे, सर पर बैठोगे क्या मेरे? सर मैं मक्खी थोड़ी हूँ जो गंदगी पर बैठूं। शट अप। और तुमको यही एक्सपर्ट मिलते हैं यार, चाय वाला, ऑटो वाला, राजमिस्त्री, यहाँ तक तो फिर भी बर्दाश्त कर लेता, तुम तो कुत्ते तक के मुंह में माइक ठेल दे रहे हो यार। क्या भाई साहब, आप भी क्रिकेट के शौकीन है क्या? माइक में अपनी बात रखना चाहेंगे आप? सर यही तो अपना थीम है। अरे प्रोमो दिखाइयो भाई, एडिटर प्रोमो दिखा जरा। स्टेडियम से नहीं तो सड़क से सही, एक्सपर्ट्स नहीं तो गुदड़ी के लाल सही। इनफ इज इनफ यार, पूरी ब्रांड वैल्यू तुम मेरी खराब कर दे रहे हो। सर आपकी है कोई वैल्यू या ब्रांड? गाड़ी के नाम पे बैटरी रिक्शा थमाने वाले चिंदी बॉस। कुछ ज्यादा ही तेज जबान चल रही तुम्हारी। सर ऐसा है ना, जिस आदमी के पास कुछ खोने को ना हो वो बहुत खतरनाक हो जाता है। देखो ऐसा है, ढंग के एक्सपर्ट लाओ वरना शो बंद कर दो। ठीक है सर। क्या शो बंद? नहीं बॉस, न्यूजीलैंड से एक्सपर्ट लाऊंगा, आप देखते जाओ। बस बॉस अगर थोड़े से पैसे बढ़वा देते। चलो चलो, बहुत काम है। पता है कितना काम है खलीहर नरेश। व्हाट? नथिंग सर, अगला एपिसोड इंटरनेशनल होगा, देखिए क्या करते हैं हम लोग। कमाल, देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। हाँ भैया, तो देसी एक्सपर्ट की तलाश में हम पहुंच गए एक पार्क में। वैसे तो मैंने सोचा था कि यहाँ कई खिलाड़ी मिलेंगे, लेकिन यहाँ मिल गए हैं एक शायद आशिक हैं। इनसे बातचीत करेंगे, हमला करेंगे, धप्पा बोलेंगे। भाई साहब नमस्कार। कौन है आप, ऐसे क्यों आप पास आ गए? उधर कैमरा है, कैमरे को देख के हाय बोल दीजिए। हेलो। क्रिकेट देखते हैं आप? नहीं क्रिकेट देखते हैं, ये कोई तरीका है आपका? इधर 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 इधर, एक मिनट अभी बात करता हूँ। रुके रुके मैं बात कर लेता हूँ। हेलो। नहीं नहीं जानू वानू नहीं बोल रहा हूँ, बाद में बात करिए, अभी थोड़ी बातचीत करेंगे। हाँ देखता हूँ, थोड़ा बहुत बताइए। इधर देखिए। तो ये बताइए कि न्यूजीलैंड और भारत का मैच है जी, और एक कहानी है, कंधे पे हाथ रख लूँ? हाँ हाँ रख लीजिए। आपकी वो फ़ोन वाली जानू को दिक्कत तो नहीं होगी? थोड़ी हाँ थोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं। ज़्यादा देर तक नहीं, कोई बात नहीं। तो ये बताइए कि काले दा लिबास दी शौकीन नी कुड़ी, दूर दूर जाए मेरे काले रंग तो। मतलब ये न्यूजीलैंड वाले जो है काले लिबास में, ब्लैक कैप्स, इनका क्या काला जादू है कि भारत को हमेशा ये हरा दे रहे हैं आईसीसी टूर्नामेंट्स में? इसका फॉर्मूला हम ढूंढ रहे हैं कि इनको कैसे हराया जाए। देखिए न्यूजीलैंड की जो टीम है वो हमेशा जो आईसीसी नॉकआउट्स या आईसीसी लेवल के जो ट्रॉफी होती हैं, जो सीरीज होती है, उसमें बढ़िया खेलती है। और उसका इतिहास अगर आप देखिए तो मुझे याद आ रहा है कि 2000 में जब नॉकआउट चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी नैरोबी में, तब भी फाइनल में भारत को हराया था। तब क्या उम्र थी आपकी? अब उम्र से क्या लेना देना, लेकिन मुझे क्रिकेट की अच्छी खासी उस समय पहुँच थी और जान मतलब ठीक ठाक समझ थी उसके बारे में। और उसके बाद में फिर आप देखिए कि इन्होंने अभी आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी हराया है इसी साल। और सबसे ज़्यादा मेरी तकलीफ, दुख और पीड़ा ये है जी, जी। कि हमारे माही भाई का आखिरी मैच था जी, जी, जी। वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल था, इन्होंने रन आउट किया था जी, जी। मार्टिन गप्टिल जी 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 तो हमारे अरमानों का कातिल है भाई जी जी जी। अच्छा ये बताइए अपना नाम तो बताया नहीं आपने। हाँ मेरा नाम ओम प्रकाश है, मैं थोड़ा बहुत क्रिकेट देखता रहा हूँ पिछले 10-20 सालों से, तो थोड़ा बहुत जानता हूँ उसके बारे में। आपको दोस्त लोग ओपी बुलाते हैं? जी जी हाँ हाँ कह सकते हैं आप। हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट हैं ओपी जी जी। एलपीजी के भाई तो नहीं है आप? माफी चाहूंगा, आपकी जानू का फोन आ रहा है, आने दीजिए, कोई बात नहीं। अब आप, मैं बात कर लूं? आप क्यों बात कर रहे हैं? नहीं आप दिखाइए तो सही, आप बात क्यों करेंगे? मैं बात नहीं करूंगा, बस आप ये बताइए कि भारत, ये पकड़िए माइक हाथ में अपने, जी जी जी, भारत कैसे जीतेगा न्यूजीलैंड से ये बताइए, तब तक मैं जानू से बात कर लेता हूँ।
दरअसल अगर भारत को जीतना है न्यूजीलैंड से तो भारतीय गेंदबाजों को जो डेवन कॉनवे हैं और जो केन विलियमसन हैं, डेरिल मिचेल हैं और टॉम लाथम हैं, इनको जल्दी से निपटाना होगा। इनको ज़्यादा लंबी पारियां नहीं खेलनी देंगी। अगर इनमें से इन तीन चार क्रिकेटरों ने लंबी पारियां खेली और 25-30 ओवर तक टिक गए तो फिर भारत के लिए मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा जब भारत बल्लेबाजी करने उतरे तो उसको ट्रेंट बोल्ट से सावधान रहना होगा, ट्रेंट बोल्ट से सावधान रहना होगा। इसके अलावा जो उनके एक और गेंदबाज है मैट हेरनी, उनसे भी सावधान रहना होगा, क्योंकि मैट हेरनी ने ही 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भारतीय उम्मीदों पर तुषारपात किया था। तो कुल मिलाकर अगर हम इन सब चीजों पर को नजरअंदाज ना करें और इन पर हम ध्यान से देखें और कायदे से हम न्यूजीलैंड को वो करें, न्यूजीलैंड को ज्यादा खुलकर ना खेलने दें, तो भारतीय टीम जीत सकती है आज का मुकाबला। लव यू टू। अरे छोड़े, अरे क्या कर रहे हो यार, अरे 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 ये क्या, अरे नहीं नहीं, आप अनजान आदमी, आप कैसे कर सकते हैं बातचीत किसी दूसरे के बारे में? एक तो आप पार्क में टहल रहे हो, आपको हमारी आपकी कोई जान पहचान नहीं। अरे यार वो खुद जानो जानू कह रहे हैं, आप खुद हमारे देसी एक्सपर्ट भड़क गए हैं। ठीक है भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगले एपिसोड में किसी और देसी एक्सपर्ट के साथ हम होंगे हाजिर।